अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक यमी सा टी टाइम स्नैक। इसके लिए हमने मैक्रोनी ली है, आलू लिए हैं और ये ब्रेड स्लाइस है। मैक्रोनी को हम बॉईल कर लेंगे और ये आलू के हम फ्रेंच फ्राइज़ बना लेंगे और जो ये ब्रेड स्लाइस हैं इनके हम क्यूब्स बना के इनको भी फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसको लेयर वाइज असेंबल करेंगे और फिर इसके ऊपर मेयोनीज और केचप की लेयर्स डालेंगे। एक यमी सा हमारा टी टाइम स्नैक तैयार हो जाएगा। अक्सर बच्चों को शाम के वक्त काफ़ी भूख लगती है तो ये एक बहुत ही हेल्दी सा और इकोनॉमिकल सा टी टाइम स्नैक है। तो चलें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वैसे देखें, हमने ये फ्रेंच फ्राइज काट ली है, इसको अभी हम फ्राई कर लेंगे और ये ब्रेड स्लाइस की भी हमने कटिंग कर ली है इस तरह क्यूब्स में। और पानी हमने बॉईल होने रख दिया है, बॉईल हो जाएगा तो फिर हम ये मैक्रोनी भी बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले ये हम ब्रेड स्लाइस फ्राई कर लेते हैं। अब ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए, मैं इसको निकाल लूँगी। इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज डाल के इसको फ्राई कर लेंगे, फ्रेंच फ्राइज को भी। इसे देखिए, पानी बॉईल होने शुरू हो गया, इसमें मैंने नमक डाल दिया था। अब मैं ये मैक्रोनी बॉईल होने छोड़ दूंगी इसके अंदर। ये देखिए, फ्राइज हमारे हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये मैक्रोनी हमारी बॉईल हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये भी डाल दूंगी, तो ये हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये फ्राइज भी मैं सारे डाल दूंगी। तो अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब ये तीनों चीज़ें मैंने असेंबल कर ली हैं। अब मैं एक एक लेयर बिछाऊंगी, एक लेयर बिछाऊंगी। एक बोल मैंने ले लिया है, फिर मैं इस पे केचप डालूंगी, चिली सॉस, जो भी सॉस डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है सारे सॉसेस, मेरे पास यही हैं तो मैं यही डाल रही हूँ। ये मैं एक और एक लेयर इसके ऊपर डाल रही हूँ। फिर मैं अगेन इसके ऊपर केचप डाल रही हूँ। फिर अगेन मैं इसके ऊपर मेयोनीज डाल रही हूँ। अच्छा, फुल क्रीम भी डाल सकती है अगर आप डालना चाहें तो। इसके ऊपर अगेन मैं एक और एक ये लेयर मतलब पूरी ही डाल दूंगी इसको। अगेन मैं इसके ऊपर फिर एक, ये फाइनल है और हमने इसको अच्छी तरह से गार्निश भी करना है। केचप डाला है मैंने और ये मेयोनीज। देखिए कितनी आसानी से और कितने कम बजट में मैंने जो है ये इतना अच्छा और इतना मज़ेदार टी टाइम स्नैक बनाया है। इसको आप कभी भी जब हल्की फुल्की भूख लगती है बच्चों को बनाएं और सर्व करें।
तो लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार सा टी टाइम स्नैक बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।